हेलो एवरीवन, की एंड की वेस का पहला लेक्चर आज आप लोगों को बताना है। और की के बारे में बता भी चुके हैं और कई हमें लग रहा है कि शायद प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल शायद करा चुके हैं इसका की का, और की दिखाए भी हैं शायद, ऐसा याद आ रहा है। टाइप्स ऑफ की शायद हम नहीं बताए थे, ठीक। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं कि क्या है की एंड की वेस, ठीक। फिर उसके बाद अगर दिखाए होंगे तो फिर आप लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, और नहीं दिखाए होंगे तो जब मौका मिलेगा दिखा देंगे, परेशान ना होइए, ठीक। सबसे पहले बात करेंगे कि सर की क्या होता है। हिंदी में इसको कुंजी बोलते हैं और इसको बोलते हैं कुंजी और कुंजी मार्ग, ठीक। देखिए सबसे पहले, हाँ BMCE लैब में इसको दिखा चुके हैं, हमको याद है, ठीक। देखिए की क्या है, की के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले की, ठीक ना। देखिए की जो है एक ऐसा मशीनिंग एलिमेंट है जो दो रोटेटिंग या फिर दो आपके सापेक्ष गति जो होती हैं, रिलेटिव मोशन इसको कहते हैं, उस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए उन दोनों के मध्य में लगाया जाता है, ठीक। कहने का क्या मतलब है समझिएगा थोड़ा सा। देखिए कहने का ये मतलब है कि जो आपका की होता है, ठीक, जैसे इधर आप की देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ की इधर हम बनाए हुए हैं, ठीक ना। की होता है जनरली, ये आपका की हो गया, ये आपका शाफ्ट हो गया, ठीक। जैसे मान लीजिए हम पहिए की बात करें तो पहिया जो है ये शाफ्ट है, इसी के ऊपर पहिया लगाया जाता है ना। तो आपको पता है कि हम पहिए को अगर इसके ऊपर फिट करेंगे, ठीक, यानी पहिए को इसके अंदर, तो अगर पहिए को हम ऐसे लगा दिए और बीच में कुछ लगा दिए, ठीक, लगा करके मान लीजिए जोड़ दिए उसको कुछ ऐसा स्टिकी एलिमेंट जैसे फेविक्विक वगैरह हो गया, ऐसा ही कुछ हम प्रयोग करके पहिए के ऊपर इसको हम जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद चलेगा पहिया, चलेगा ना, चलेगा। लेकिन इन दोनों के मध्य में हो सकता है चलते चलते ये चलेगा और ये भी चलेगा, दोनों में हो सकता है कहीं पे रिलेटिव मोशन आ जाए, तो ये तो रोटेट करेगा, साथ साथ में हो सकता है कि शाफ्ट के ऊपर ये जब शाफ्ट रोटेट करे तो ये उतना रोटेट करेगा, लेकिन बीच में अगर ढीलापन आएगा तो ये अलग रोटेशन रहेगा और शाफ्ट के ऊपर जो पहिया लगा होगा उसका रोटेशन अलग हो जाएगा, होगा। अब इनके रोटेशन की डायरेक्शन जब अलग अलग हो जाएगी तो इसमें एक फ्रिक्शन एलिमेंट या फिर एक फ्रिक्शन जनरेट होगा जो क्या करेगा, हब और शाफ्ट दोनों को घिस करके ख़राब कर देगा, ठीक, समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे हम, इसमें खांचा बनाएंगे, ठीक। जैसे ये शाफ्ट है तो ऐसे शाफ्ट रहेगा और इसी में ऐसे एक खांचा बना देंगे, ठीक। और जो आपका पहिया रहेगा, ठीक ना, पहिए में ऐसे एक हल्का सा खांचा बना देंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों को जब रखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, होगा ना। अब ये जो की है क्या करेंगे हम, इसी के अंदर ऐसे डाल करके इसको फिट कर देंगे, ठीक। अब जब ये चलेगा तो इसमें जो रिलेटिव मोशन होगी वो हल्का सा, कहीं पे रिलेटिव मोशन नहीं होगी, ये कहाँ जाएगा, की पे जाएगा, और की पे जब जाएगा तो की करेगा इन दोनों की डायरेक्शन, इन दोनों का जो मतलब रिलेटिव मोशन होने वाला रहेगा उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका शाफ्ट और पहिया जो है वो तो बच जाएगा, लेकिन की हो सकता है कि खराब हो जाए, ठीक। तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हैं, की का प्रयोग कर सकते हैं और की को बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब देखिए सबसे पहली बात कि सर जो की है आपका, ठीक सर जो की है आपका, तीन, देखिए मशीन में तीन एलिमेंट होते हैं, जो की है, शाफ्ट है और हब है मान लीजिए, ठीक। इन तीनों में मजबूत कौन होता है, देखिए हम तीन चीज़ों पर मजबूती डिजाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम की को मजबूत बना दें, स्ट्रॉन्गर, इन दोनों को वीक बनाएं, ठीक ना, हमारे ऊपर है, हम बना भी सकते हैं मजबूत और ढीला भी बना सकते हैं। तो अगर जब पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक, तो आप जानते हैं कि की बहुत मजबूत है और ये दोनों वीक हैं, तो ये दोनों आपके ख़राब हो जाएंगे, ठीक, लेकिन ये क्या उसी तरह स्ट्रांग बना रहेगा, ठीक, ये ख़राब नहीं होगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम क्या क्यों चाहते हैं, क्योंकि की जो है आपका सस्ता है और अगर
की खराब होगा तो हम की को तुरंत बदल सकते हैं, इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इंगेज और डिसएंगेज, मतलब कि आसानी से ठोक करके निकाल भी सकते हैं और फिर लगा भी सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि की जो है अगर वीकर होगा तो की खराब होगा तो हम उसको हटा करके क्या कहते हैं कि दूसरा की लगा देंगे, लेकिन अगर शाफ्ट हब खराब हो जाएगा तो इनको बदलने में हमारा पैसा ज़्यादा लग जाएगा, इसीलिए हम शाफ्ट और हब को मजबूत बनाते हैं की तुलना में। ठीक, तो आप यहाँ समझ गए। मटेरियल स्ट्रेंथ की बात करें तो की का मटेरियल अच्छा होता है इन दोनों की तुलना में, ठीक, लेकिन इसका जो क्या कहते हैं कि जो ज्योमेट्रिकल मतलब जो बनावट होती है वो खराब, वो मतलब वीक होती है, अगर हम कहें कि एकदम छोटा सा, ठीक ना, जैसे लोहे का एकदम छोटा सा टुकड़ा आप ले लें, ठीक, एकदम छोटा सा टुकड़ा, जैसे तार, लोहे का तार ले लें हम और ऊपर से प्लास्टिक से मारे हैं, तो आपको पता है कि प्लास्टिक से लोहा बढ़िया होता है ना, लेकिन फिर भी हो सकता है प्लास्टिक से ये लोहा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, तार है, क्योंकि इसकी बनावट हम क्या किए बहुत वीक कर दिए हैं, बहुत पतला बनाया है इसको, इसलिए ये जब इस पे प्रहार होगा तो ये क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक, तो ज्योमेट्रिकल रूप से तो की मजबूत, ज्योमेट्रिकल रूप से की खराब मतलब वो होता है, कमज़ोर होता है, लेकिन मटेरियल स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, ठीक ना, तो ये भी ध्यान दीजिएगा और लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले की क्या है, की के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, कई बार लिखाए हैं, एक बार और लिखवा देते हैं। देखिए की जो है, की का प्रयोग हम शाफ्ट और हब या फिर मशीनिंग मशीन के दो एलिमेंटों में होने वाले रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक ना। अब दूसरा जो है की वे, जैसे मंजिल और मंजिल का रास्ता, की क्या है, मंजिल है, और जहाँ से की गुजरेगा वो क्या है, कीवे है, ठीक ना। तो कीवे क्या है, की को फिट करने के लिए हमें उन मशीनिंग एलिमेंट में या फिर वो दोनों मशीनिंग एलिमेंट में एक वे या फिर रास्ता बनाने की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कीवे कहते हैं, और इसी रास्ते में आपका की क्या होता है, फिट होता है, ठीक, उसे कुंजी मार्ग कहते हैं, और इसी कुंजी मार्ग में की क्या होता है, फिट हो जाता है। ठीक, समझ में आ गई ये चीज़, की वे और की, हो गया ना। एक चीज़ और लिख सकते हैं आप लोग, अगली हेडिंग यूज ऑफ की के एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन ऑफ की या यूज ऑफ की, ठीक, क्या क्या प्रयोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रयोग भी। देखिए की का, यूज ऑफ की पहला आप लिख सकते हैं, की का प्रयोग सामान्यतः ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में शाफ्ट और हब के मध्य में लगाकर दोनों के रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए किया जाता है, दोनों के रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए किया जाता है। दूसरा आप लिख सकते हैं, की का प्रयोग ऐसे मशीनी अंग जिनको जिनको आसानी से खोलना और बांधना हो तथा उनमें रिलेटिव मोशन को रोकना हो, वहाँ पे करते हैं, ठीक। तीसरा लिख लीजिए, बड़े बड़े मशीनों में की का प्रयोग बड़े बड़े मशीनों में की का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है कि उन मशीनों में प्रयोग किए गए महंगे अंगों को घर्षण आदि से बचाया जा सके, क्योंकि
की के खराब होने पर उसे आसानी से बदला जा सकता है, परंतु मशीनी अंक महंगे होने के कारण उनको बदलना मितव्ययी नहीं होता, मतलब कि खर्चीला होता है। ठीक, मितव्ययी का मतलब कम खर्चीला, और मितव्ययी नहीं होने का मतलब कि खर्चीला होता है। ठीक, ये आपका की के बारे में हो गया। ठीक, अब अगला लेक्चर जो रहेगा आपका, अब अगली हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, टाइप्स ऑफ की। ठीक, टाइप्स ऑफ की आपकी अगली हेडिंग रहेगी। ये आपका टाइप्स ऑफ की आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ की है आपके। अब चलिए ठीक है, आज के लिए यहीं लेक्चर को ब्रेक देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब मिलेगा आपको तो टाइप्स ऑफ की आपके सामने रहेगा। टाइप्स ऑफ की बताने के बाद हम क्या करेंगे, ये चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक, तो चलिए ठीक है, आप लोग क्या करिए, इसको पढ़िएगा, जितना बता चुके हैं उसको नोट्स में लिख लीजिएगा, लिख करके तैयार कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ की के बाद जो है आपका अगला लेक्चर जो बचेगा वो क्या कहते हैं, लुब्रिकेशन, वो लास्ट लेक्चर, वो लास्ट चैप्टर रहेगा आपका। दो तीन लेक्चर उसमें लगेंगे, फिर उसके बाद आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और ये पूरा BMCE का आपका जो सिलेबस है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, तो सब लोग घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, मिलेंगे अगले लेक्चर पे, तब तक के लिए सबको थैंक यू।